अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम बनाने वाले हैं बकरे के लुकाने। ये जो है ना, ये बकरे के लुकाने हैं ये, तो मैं इनका आज शोरबा बनाऊँगी। तो चलिए हम सारा प्रोसेस आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से गर्म पानी में धो लिया है। सबसे पहले मैंने इसको सिरके के पानी में और नमक के पानी में भिगो के रख दिया था। तो उसके बाद मैं गर्म पानी से भी इसको अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अभी मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज के प्याज लिए हैं और उसको बारीक सा कट कर लिया है मैंने। तो इसमें मैं सब प्याज नहीं ऐड करूँगी, थोड़ी सी मैंने रख ली है। और सारी उसके बाद मैं जितनी थी उसमें ऐड कर दी हूँ, थोड़ी सी बचा के रख ली हूँ मैं इसमें की। तो चलिए हम इसी में हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। हम हरी मिर्च को पीसेंगे नहीं, क्योंकि ये हड्डियों के साथ गल जाएगी। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करूँगी। मैं इसको लाल मिर्च में नहीं बना रही हूँ, तो बस ये इतना, क्योंकि मैं इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर भी ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसमें पानी भी ऐड नहीं करूँगी, इसको ढक्कन से ढककर चूल्हे पे रख दूँगी गलने के लिए। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक हमारे जो लुकाने की हड्डियाँ हैं वो अच्छी तरह गल नहीं जाते। तो देखिए, आप लोग इसको क्या बोलते, ज़रा मुझे भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये लुकाने की हड्डियाँ क्या यहीं पे हम लोग ही बोलते या सब बोलते। तो लुकाने हैं ये बकरे के, ये बिल्कुल पाए की तरह होते हैं। जिस तरह बकरे के पाए होते हैं उसी तरह ये होते हैं। और ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है, बहुत सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ये सर्दियों में। तो चलिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हम इसका शोरबा बनाकर रेडी करेंगे। नान के साथ तंदूरी रोटी हो या रुमाली रोटी हो, आप जिससे इसको सर्व करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी हम इसको गैस पे रख देंगे, फुल फ्लेम पे हम इसके 4 से 5 सीटें लगाएंगे। उसके बाद इसके फ्लेम हम मीडियम टू लो पे करके इसके फ्लेम विसल्स को, इसके सीटियों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे। जब तक हमारे हड्डियाँ गल ना जाएँ, अच्छी तरह हम इसे गलने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारे हड्डियाँ अच्छे से गल चुके हैं। ये दुकानें जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं और हमें इन्हें गलाने में पूरे 7 से 8 सीटी लगवाने पड़े हैं। तमाम हड्डी जो लुकाने हैं वो गल गए हैं। अभी हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। मेरे घर के बड़े कहते हैं कि लुकानों के जो हड्डी होती है, बकरे के जो लुकाने होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। बहुत ये कोई भी खा सकते हैं, पेशेंट्स हो या ज़ईफ हो, बच्चे बड़े सब, सर्दियों में सबके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 बड़े चम्मच ले लिए हैं। सबसे मैं घर में थोड़ी सी प्याज बचा के रखी थी वो ऐड की हूँ उसमें। हम प्याज को फ्राई करके इसमें लुकाने ऐड कर देंगे। सॉरी अगर कुछ इनकन्वीनियंट हो रहा है मुझे बोलने में, तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट करिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए।
क्योंकि मेरे घर के करीब में थोड़ा सा गड़बड़ है तो मुझे रुक रुक के बोलना पड़ रहा है। तो जैसे ही ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हम इसमें रुकाने ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं कुछ भी खड़े मसाले इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा स्पाइसेस भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही हल्का और बहुत ही लाइट ये हम बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा हेवी कर सकते हैं खड़े मसाले ऐड करके, इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करके, काजू बादाम लगा के भी इसको बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से बस इसका शोरबा बना रही हूँ। ऐसा तो हम सिर्फ इसी तरह भगोने में ही गला लेते हैं, किसी पैन में वगैरह हांडी में वगैरह ही गला लेते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी है इसलिए मैं इसको कुकर में गलाई हूँ। ये मैं चूल्हे पे रख के पकौना थोड़ा देर हो गया था, ये जो बर्तन है वो मैंने चूल्हे पे काफ़ी देर से रख दिया था, तो बर्तन हमारा ज़्यादा गर्म हो गया इसलिए बीच में देखिए काला हो गया है। और हमारा तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने चूल्हे को कर दिया था ऑफ, अभी मैं ऑन कर दी हूँ। तो चलिए हम लुकाने ऐड करने के बाद, मैं लुकानों में ना नमक और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके लुकाने गला दी हूँ। अभी यहाँ पे मैं सबसे